अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, कल जहाँ से मैंने वीडियो छोड़ी थी ना, वो फ्लो मार्केट से, वहीं से शुरू करते हैं। वापसी का रास्ता लेते हैं, घर जा रहे हैं, और घर जाके ना खाना शाना खाते हैं। मैंने तो थोड़ी सी चिप्स खाए थे, बच्चे बिल्कुल भूखे थे, आते सबसे पहले पिज़्ज़ा वगैरह बनाया और इनको खिलाया शिलाया, खुद भी थोड़ा सा खा लिया, ऐसे नहीं कि नहीं खाया। तो ये है कि जब बच्चे छोड़ के गए थे, हम सुबह सुबह उनको सोए सोए छोड़ के चले गए, तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, भूख भी लगे तो कर लेते, छोटा मोटा तो वो बना ही लेते अपने लिए। तो पिज़्ज़ा आते बनाया, इनको खाना शाना खिलाया, फिर बच्चे जो बड़े वो अपने चले गए हैं, बड़ों को लेके, मतलब बच्चे सारे बाहर चले गए हैं अपनी मर्जी से जहाँ उन्होंने जाना। तो हम दोनों बच गए थे, फिर हम दोनों ना बच्चों की तरह ना हम जा रहे हैं जहाज देखने। तो मुझे ये था कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। स्टोरी तो मैंने लगाई थी ये ना मंडे की वीडियो है, मुझे ये क्या एक दिन लेट ही हो गई है, वो एक नागा आ गया ना अंदर से, जब घर वापस आते हैं ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती बंदे को कोई काम करने की, तो ऐसी मेरी हालत हो गई थी वहां। अगर आप मेहमान जाते हैं ना, करना भी कुछ नहीं होता, लेकिन तुम थक बड़े जाते हो, ये पता नहीं क्यों है। जब गर्मी होते हैं फिर तो पता है, ऐवी कर ले ऐवी कर ले, बहना नहीं, हड्डी में सुकून नहीं, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं ना, तब ना बैठ बैठ के थक जाते हैं, हद मुकी पे ये कि हम ना किसी हाल में खुश है, ना हमें किसी बैठ के, वो भी मसला होता है, काम करते करते वो भी हमारा मसला होता है। हम दोनों जा रहे हैं बड़ा खूबसूरत मौसम में इंजॉय करने, मैं मतलब मेरी जिठानी सिस्टर जो है ना, तो वहाँ पे जाके आराम से, बस खामोशी थी। तो मुझे ये था कि हम दोनों ही है बस ना, बच्चियाँ वाला जहाज देखना है, लेकिन ना हमारी तरह और भी बहुत ज़्यादा लोग थे, आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन हम काफ़ी देर उधर बैठे क्योंकि बच्चे घर नहीं थे। तो ये था कि जब बच्चे आएंगे हम भी घर चले जाएंगे, तो इसी चक्कर में ना हम यहाँ से निकल आए। तो जब यहाँ पे गए ना, तो मैंने कहा माहौल इतना अच्छा है, आफिया फन को साथ लेके आना चाहिए था, बड़ा मज़े का मौसम था, ना गर्मी ना सर्दी, लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ वो बड़ा ऊपर 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 जाके बैठना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर ना थोड़ी देर बाद ऐसा सा हवा जो है ना वो चलने लगे, बादल भी बनने लगे, लेकिन ये कि मज़ा बड़ा आया था ना। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, यहाँ पे ना जहाज़ चढ़ते हैं शू करके, लेकिन जो उतरते हैं वो दूसरी साइड से, तो वो दूसरी साइड उन्होंने बंद की थी, लेकिन जो चढ़ने वाले वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये अच्छा लग रहा था देख के ना, कि मतलब कि तेरे सामने अखा ने चीज़ एड्डी वड्डी ऐसे गुजरती है, और गुजरते गुजरते ना वो ऊपर चढ़ने लग जाती है, वो वाला सीन जो ना सच्ची में रोंगटे रोंग रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे होते हैं ना बंदे को, सच्ची में ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि लोया जेड़ा ना उठता है, तो लोया पानी से तैरता है, नॉर्मल आप सुई भी पानी पे छोड़े ना तो वो नीचे चले जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर इतने मतलब दिमाग बनाए हुए हैं ना। यहाँ से मैंने आवाज़ छोड़ दी थी नीचे, लेकिन यहाँ से ना जब जैसे वो रेस पकड़ता है ना, यहाँ से ये दरमियान से आकर से मुड़ा है, नॉर्मल पीछे से शुरू होते हैं, पीछे से उन्होंने रेस देनी शुरू कर देते, स्पीड पकड़ते हैं जैसे ना, आपको पता स्पीड पकड़ते फिर आस्ता से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ से वो स्पीड पकड़ते हैं। और जैसे ये पकड़ते हैं ना, मुझे ये तो जस्स होता था कि मैं आगे तक जाऊँ ताकि मैं देख सकूँ वो, जैसे जब आगे से उठता है ना वो वाला जो सीन है ना, वो सच्ची में बड़ा टची और बड़ा मज़े वाला। तो दिल भी करता है कि लोग जा रहे हैं हम भी जाएंगे, तो इसी चक्कर में ना वो बंदा हिसाब किताब लगा रहता है, इधर बैठ के ना हमने बड़े हिसाब किताब लगाए कि इस साल जाएंगे कि अगले साल जाएंगे, वो मज़ा कम लिया, अपने हिसाब किताब लाने शुरू कर दे दिन, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ये वाला इस महीने में इतनी छुट्टियाँ आनी है, इस महीने में इतनी छुट्टियाँ आनी। मसला ये है कि हमारे जो जर्मनी में ना बच्चों की छुट्टियाँ दो दो हफ्ते की होती हैं, 2 हफ्ते पाकिस्तान क्या जाने का फ़ायदा, जाना है और आ जाना है बस, दो दो तीन तीन दिन तो जाने आने में लग जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये वाला जहाज़ में जैसे इसको, हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द, के जो भी जहाज जाता था ये कहते थे अल्लाह ताला हाफ़िज़ नासिर, अल्लाह ताला के सुपुर्द, ये कह के ना तो हमें कुछ चढ़ा देते, जैसे हम इनको अल्लाह हाफ़िज़ करने आई हूँ सारी सवारी का। खैर जो भी सीन था मैंने आपको दिखाया, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो घर जाके फिर हमने खाना शाना बनाया, खाना शाना बनाया क्या अपने लिए बनाया, क्योंकि मर्द हज़रात मेरे मियाँ मतलब थे नहीं घर थे, तो हमने अपनी मर्जी का मतंजन बाजी ने बुलाया, साथ मटन पुलाव बनाया बड़ा मज़े का, तो खाया शाया। तो खाने के बाद फिर
वापसी का रास्ता लेंगे, वापसी जब घर जाएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ सारी यार तुसी जाके वेलो मैं किन्नी कि सारियां लेके आई, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ले आई कुछ मैं अगली दफ़ा छोड़ आई हूँ, अगे भी तो आना है ना, फिर छड़ के ना आवाँगी तो अगू फिर जा नहीं सकना। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें दिखाऊंगी ना, वैसे वैसे मैं मियाँ को भी दिखा रही थी अपने के ये वाला था उधर वो वाला था उधर, फिर मैं अगली दफ़ा जाऊँगी या मेरे साथ जाना, ऐसे वैसे उठाने का बड़ा मसला होता है, तो वो हम ही भर लेते हैं, जैसे ही महीना करीब आता है ना पिट्ठा करके ना कर देते हैं, फिर मैं मुझे अकेले को जाना पड़ता है। अच्छा जी, ये मैं खुला कपड़ा लेके आई थी, कितने का था, शायद 2 यूरो मीटर था या 1 यूरो मीटर था, तो ये मैं लेके आई थी नॉर्मल, मैं अभी एक रजाई लेके आई, उसका कवर नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने कहा चलो मैं ओपन कपड़ा ले जाती हूँ तो खुद ही स्टिच कर लूँगी, लेकिन वो ना कपड़ा ही थोड़ा निकला है, अब इसको मैं बेडशीट के तौर पर यूज़ करूँगी। तो ये जो मैं लेके आई चेक वाला पर्पल में, ये मैं मिशाल के बेड का लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पहले भी लेके तो बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है, बिल्कुल कपड़ा ख़राब नहीं हुआ, मैंने वॉश भी किया है, धोया भी है, ना उस वो कपड़ा शिलिंग हुआ है और ना ही उसके ऊपर बुर वगैरह आई, इतनी अच्छी कॉटन है। तो ये मैं 2 लेके आई हूँ, बड़े वाला लुकमान के बेड पे जैसे ब्लैक और ब्लू में, और नीचे वाला एक मैं मिशाल का लेके आई हूँ, और आफिया के मैं लेके आई हूँ चप्पल 5 यूरो की, इतनी प्यारी लग रही थी, उसके पाँव में बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ोली लग रही थी। तो ये मैं लेके आई हूँ, जैसे आप दुपट्टे बना ले क्रश, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ना, ये ग्रे में है, डार्क ग्रे में, तो ये क्रश कपड़ा था, आयन 1 यूरो मीटर ही था। हाँ, तो 2 दुपट्टे का कपड़ा लेके मैं और बाजी अपना अपना, तो इसको ये है कि आप साइडों से ना स्टिच कर ले। नॉर्मल मैंने ये सोचा था कि जैसे ऊपर से लेके नीचे तक ना बेल बॉटम बनाऊंगी, क्रश क्रश जो होता है ना, तो मैं वही देख रही, सी थ्रू लग रहा है मुझे, जैसे कपड़ा ना शायद नीचे से नजर आए। अगर देखूंगी अगर कैसे दुपट्टा बनाऊंगी या क्या बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैं आपको रजाई खोल के दिखाने लगी, किंग साइज लेके, कि मेरे बेड पर ना कंबल होता है, कंबल के बगैर ये सोते नहीं है, तो मुझे आजकल बड़ा चाव चढ़ा हुआ है कि कंबल यहाँ से जो लेते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं है, वो कुछ अरसे के बाद उसकी पाइपिंग जो है ना वो खुल जाती है कि मज़ा ही नहीं आता। तो मुझे ये था कि अरजाई एक ऐसी चीज़ है कि इसका आप कवर बदल सकते हैं, वॉश कर ले, नया डाल ले, तो बंदे को ना बेड के ऊपर पड़ी भी अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए ये साइज लेके आई हूँ, ताकि देखते हैं रख के अब क्या बनता है। लेकिन कपड़ा जो है ना अभी तो मैं कवर ढूंढूंगी, पहले देखूँ मैं पोको में जाती हूँ कहाँ से कितू मिलता है, मैनू जरूर दस्यो तुसी भी कि बड़े साइज का जो कवर है ना कितू मैं लैके आवां, चक्कर मेरा पैना ही तो पैना है, क्योंकि जो मैं लेके आई हूँ कपड़ा वो छोड़ थोड़ा वो डबल मुझे लाना पड़ना था, जैसे मैं लेके आई हूँ वो सिर्फ एक साइड पे ही है, अब इसके नीचे कोई मैं और लगाऊँ तो फिर बन सकती, नॉर्मल ना ये सिर्फ बेडशीट बनेगी, ये तो क्या ज़ाया, तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जिस मकसद के लिए मतलब सोचा सी वो तो मतलब होया ही नहीं ना, बस कभी कभी ना जो बंदा सोचता होता नहीं है तो बड़ा दिल ख़राब, क्योंकि एक पूरा महीना कौन इंतजार करे। तो मुझे झटपट अब चाहिए बेड पे ये वाली रजाई, तो देखती हूँ मैं नॉर्मल अमेजोन में और इधर उधर देख रही हूँ, लेकिन ना वो समझ ही नहीं आ रही, मिल भी नहीं रही और महंगी भी बड़ी है। तो अभी मैं ना चावल लेके जो बनाए थे ना वो मैं पुलाव और वो लेके आई थी तंजन, लेकिन इनको ये था कि नहीं मुझे पराठे बना दो, ये 2-3 4 बजे का टाइम है जब मैं वापस आई हूँ, तो मुझे मैं साथ खाना ले आई थी, लेकिन इनको नहीं था, मुझे रोटी खानी है और पराठा खाना है, तो मैं झटपट ना जो मेरे पास पड़ा था वो ही मैंने कहा चलो बना लेते हैं, आपको पता घर से निकल जाए ना तो वो 1-2 दिन चले जाएँ तो वापस आके ना बंदे को अपने घर में पराया पराया लगता है कि चीज़ा कितने पियाँ ने, हाय केड़ी चीज़ है केड़ी नहीं है, बंदा अपने घर जी ऐसे लगता है जैसे कुछ पता ही नहीं है। तो मैं झटपट मुझे ये था कि चलो मैं प्याज अंडे बना लेती हूँ, साथ में पराठे बना लेती हूँ, 4 अंडे ले लिए मैंने, प्याज टमाटर हरी मिर्ची मेरे पास थी नहीं, तो इनको मैंने मतलब पका पको के नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला सारा कुछ वेज सुट सुट के, तो तुसी काम नबेड़ो मतलब कि हिलाओ जलाओ तो ताडे मतलब मसाला तैयार। तो शुक्र अल्लाह का आटा जो ना गूंदा पड़ा था, मुझे आटे की बड़ी टेंशन होती है कि हाय आटा मतलब मैं गूंद के गई थी इसलिए कि ताकि ये पीछे से अगर इनको रोटी बनानी भी पड़े ना बना सके, लेकिन कोई नहीं बनाए कख नहीं बनाए, जब मैं नहीं ना बना आटा गूंद के जाती फिर इनको होता है आटा नहीं गूंद के गई, तो जब मैं गूंद किस दफ़ा गई हूँ तो एक भी पेड़ा अंदर यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो शुक्र आटा बच गया। तो अभी 4 अंडे मैंने अलग से फेंक के ना फिर डाले ताकि कोई ख़राब ना ना हो, सारा मेरा मसाला ही ना ख़राब हो जाए। तो अब ये धनिया शनिया डालूंगी ये हो जाएगा डन, तो साथ में पराठे बनाऊंगी, मैंने भी वेखते वेखते ना लग गई भुख, तो खैर मैंने तो पराठा अपना नहीं बनाया, मैं एक बरोट लूँगी साथ में, ये मुझे बड़ा पसंद है अंडा अंडे प्याज ना। तो आप मुझे बताना कि आपके घर में जब आप कहीं जाते हैं तो तुसी वापस आ गए किन्नी कि तुम थकावट होती है, तो तुसी अपने घर से बगाने बगाने लगते हो, मैं बहुत लगती हूँ मुझे सेट होते 2 दिन चाहिए ना, तो इसी वजह से मेरी एक वीडियो पीछे रह गई, मैंने मंडे को वीडियो डालनी थी लेकिन मेरी वो फ्लो वाली रह गई, फिर मैंने कल अपलोड की।
तो कल की वीडियो जो आपने पसंद की है उसका बहुत शुक्रिया। सच्ची में चीज़ें आपके लिए शेयर करती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लेंदी सच्ची, वीडियो चक्करा च मेरी चीज़ा रह जाती हैं। चलो जी, मेरा तुसी नाश्ता नाश्ता नहीं दोपहर का खाना जो भी, तो इतने मैंने दवो इजाज़त। इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।